बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है सहारा है, मेरा आसरा है सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है सहारा है, मेरा आसरा है सहारा है, देखे रोशनी निज नाम की, देखे रोशनी निज नाम की, मुझे भव सागर से तारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है। गई भूल थी निज नाम को, गई भूल थी निज नाम को, अखंड श्री परम धाम को, मुझे कृपा सिंधु जगा रहे, मुझे कृपा सिंधु जगा रहे, मुझे प्यार से ही पुकारा है, मुझे प्यार से ही पुकारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है। कृपा की बातें वो करे, कृपा की बातें वो करे, जिस पर हो कृपा आपकी, हरदम वो दिखाई दे रहे, हरदम वो दिखाई दे रहे, तेरे चरणों का ही सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है सहारा है, मेरा आसरा है सहारा है। मुझे ज्ञान ऐसा सुना रहे, मुझे ज्ञान ऐसा सुना रहे, निज घर का रास्ता बता रहे, मुझे मोह माया से छुड़ा रहे, मुझे मोह माया से छुड़ा रहे, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरी जिंदगी को सवारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है सहारा है। श्री तारतम का जो ज्ञान है, श्री तारतम का जो ज्ञान है, मेरा जीवन मेरा प्राण है, मेरे हादी का फुरमान है, मेरे हादी का फुरमान है, जन सचराचर को तारा है, जन सचराचर को तारा है,
मेरा सतगुरु प्राण पियारा है, मेरा आसरा है सहारा है। ये चरण कमल सुखदाई है, ये चरण कमल सुखदाई है, इनमें सब शांति समाई है। ऐसी ज्योति सतगुरु जगाई है, ऐसी ज्योति सतगुरु जगाई है, किया सब जग में उजियारा है, किया सब जग में उजियारा है, मेरा सतगुरु प्राण पियारा है, मेरा आसरा है सहारा है, देखे रोशनी निज नाम की, देखे रोशनी निज नाम की, मुझे भव सागर से तारा है, मुझे भव सागर से तारा है, मेरा सतगुरु प्राण पियारा है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणात्यारे की जय। समस्त श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन के इस सत्र में पुनः धामधनी की कृपा दया मेहर और हुकुम से हम सभी एकत्रित हो पाए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, महामति श्री प्राणा जी प्रणित वाणी के अंदर कई प्रकार के रसों का आस्वादन हम कर पाते हैं, कभी प्रेम रस का तो कभी विरह रस का। इस प्रकार के अनेकानेक रस स्वाद और मिठास से लज्जत से भरे हुए जो अन्य अन्य वाणी है, वो सारी वाणी के अंदर अपना अपना एक रस शामिल है। और इसी तरह का एक और प्रकरण जो हम किरंतन वाणी के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं, तो भी घाव न लग्या रे कलेजे। इस वाणी प्रकरण के अंदर में धनी जी के गुणों का स्मरण कराया है, परंतु गुणों का स्मरण भी कई प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर धनी के गुणों का स्मरण कराते हुए इस शुक्राना को याद करते हैं कि कैसे मेरे सतगुरु ने, कैसे मेरे अक्षरातीत श्री धाम धनी ने विभिन्न स्वरूपों में आकर के कृपा की है। तो जो पांचों स्वरूप के अंदर में होकर के धनी यहाँ लीला करते हैं, धनी अपनी सखियों के ऊपर जिस प्रकार का प्रेम है उसकी बरसात करते हैं, इसी विषय में श्री इंद्रावती आत्मा यहाँ पर चर्चा करती है। और क्योंकि सुंदर साथ जी, ये बात हमें निश्चित रूपेण याद रखनी है कि गुण धनी के याद कर पकड़ पीयू के पाए, सुखे बैठाए सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। धाम धनी के गुणों के स्मरण में इतनी शक्ति है कि ये गुणों का जब हम स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय को ये चोट पहुंचाते हैं। यही गुणों को याद करने से एक पुकार दिल से निकल जाती है, और इसी पुकार के कारण जैसे हमने धनी के गुणों को स्मरण किया तो धनी स्वयं आकर के हमें वो प्रेम रूपी सुखपाल में बैठा करके अपने निज धाम को ले जाते हैं। प्यारे सुंदर सां जी, आज का यह दिन कहें माक्सर वद पंचमी के दिन, जब परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी महाराज ने अपने यह लीला को यहाँ पर पूर्ण किया था। हम तारीख के द्वारा भी देख चुके हैं कि 18 दिसंबर के हिसाब से हमने उनके नाम से जो सेवा कार्य करना है और उनके प्रति जो हमारी भावना को अर्पण करना है वह हमने किया, परंतु दिनांक से भी ज्यादा तिथि का महत्व है। और इसी तिथि को लेते हुए पिछले 7 दिनों से साप्ताहिक पारायण घर के घर में ही पढ़ करके हम आज पूर्णाहुति कर
जो फाल स्वरूप चौपाई आई है उसका भी दर्शन करेंगे, जिसमें परम पूज्य परम वंदनीय गुरु जी का आशीर्वाद हम आप सभी को प्राप्त होगा। आइए प्यारे सुंदर साज जी, आज के इस सुंदर मजल को हम शुभारंभ करें और अक्षरातीत धाम धनी श्री राज श्यामा जी के पावन चरण कमलों को स्मरण करें, वंदना करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो क्षिणा, लाख तली लाल मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम वंदनीय गुरुदेव श्री दीनदयाल जी महाराज के पावन चरणारविंद में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम का भाव लेकर आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए उन्होंने ही प्रदान किए हुए इस तारतम ज्ञान की महत्ता को जानते हुए उपस्थित सभी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम करते हुए आज के दिन की इस मजल का हम शुभारंभ करते हैं। सुंदर सांझ जी, श्री किरंतन वाणी के अंदर 96 नंबर का प्रकरण है, जिसे हम प्रारंभ करेंगे। ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। तो भी घाव न लग्यारे कलेजे, ना लग्यारे कलेजे जो एते देखे धनी गुणा। श्री इंद्रावती सखी अपने हृदय के भावों को यहाँ प्रकट करती है कि हे मेरे धाम की सखियों, मैं मेरे दिल के दर्द को कहां पर बयान करूं, कहां मेरे हृदय की बात को रखूं, या मैं धनी जी के आगे रख सकती हूं, या फिर अपनी जमात की सखियों के आगे कह सकती हूं। इसीलिए यहां पर अपनी सखियों के आगे वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे सखियों, देखिए ना, माया ने इस हृदय को कितना निठुर बना दिया, कितना कठोर कर दिया है कि धनी जी ने जब इतने भरमार हमारे ऊपर गुण किए हैं जिनका कोई पारावार ही नहीं है, ये गुण शब्दातीत गुण हैं। क्या हम धनी के मेहर को, गुणों को ठीक तरह से देख भी पा रहे हैं? पार पाना तो दूर की बात है, जब देखेंगे, अनुभव करेंगे, महसूस होगा, तभी ही धनी के गुणों को हम गिनना प्रारंभ करेंगे। गिनेंगे तो पार आएगा, लेकिन जहां अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, जहां आत्मीय दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम अपने धनी के गुणों को गिन पाएंगे, कैसे पार कर पाएंगे? इसीलिए इंद्रावती आत्मा अपने इस व्यथा को यहां व्यक्त करती हैं कि इतना गुण करने के बाद भी जब मेरे प्रियतम धनी हमारे जैसे पंच तत्वों के शरीर को धारण करके यहां पधारे,
और आए हैं मात्र नहीं, आने के पश्चात इस मानवी देह के अंदर उन्होंने कई प्रकार की कसौटियों का सामना किया। धाम के उन रूहों को एकत्रित करने के लिए क्या कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तारतम ज्ञान को उतारने के लिए क्या कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये सारे मेरे धनी ने गुण हमारे ऊपर में किए, और क्यों किए, ताकि मेरी रूहों को जानकारी हो सके कि धनी का हमारे प्रति का जो प्रेम है, लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो कितना गहरा है। हमारी निस्बत ही इसी प्रकार की है, तो निस्बती होने के कारण धनी ने हमारे अवगुणों को नहीं देखा, हमारे भूलन को नहीं देखा, बल्कि कृपा दृष्टि बनाए रखी और हमारे लिए इतने सारे गुण पर गुण, गुण पर गुण करते गए। परंतु फायदा क्या, धनी ने तो अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे लिए जो भी कुछ बन रहा था सब कुछ किया, लेकिन हमने धनी के प्रति क्या किया। अगर धनी के असीम गुणों को देखने के लिए भी हमारे अंदर साहस नहीं है, हम बातुनी दृष्टि को खोल नहीं पाए हैं, तो हम क्या धनी से प्रेम करते हैं। धाम में तो हमने बड़ा ही दावा लिया था कि हे धनी, आपसे भी ज्यादा हमारा प्रेम है, और यदि ऐसा ही है तो यहाँ पर उसी प्रेम से बातुनी दृष्टि को खोल करके क्यों नहीं हम हमारे धनी के गुणों को देख सकते हैं। इंद्रावती सखी स्वयं के ऊपर संबोधन करती है और कहती है, अरे तो भी घाव ना लगे अरे कलेजे, जो एते देखे धनी गुणा, इतने गुणों का दर्शन करने के बाद भी क्या हे इंद्रावती सखी तेरे हृदय में घाव नहीं लग रहा है, तुझे क्या चोट नहीं लग रही है, तेरा कलेजा क्या कांपता नहीं है कि मेरे धनी ने इतना कुछ मेरे लिए किया, मैंने मेरे धनी के प्रति कैसी भावना रखी, क्या मैंने माया को छोड़ दिया है पूरी तरह, क्या मैं पूरी तरह धनी में एकाग्र चित्त हुई हूँ, ये प्रश्न स्वयं से पूछना होगा। क्योंकि धनी ये जितने गुण कर रहे हैं वो अपनी रूहों को अपने अंदर खींचने के लिए कर रहे हैं। माशुक खेचे तो है अरस के माही, माशुक का काम ही ये है कि हम बार बार माया की ओर फिसल जाते हैं, तो धनी अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से हमें पकड़ करके अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर कितनी पकड़ शक्ति है, कितनी क्षमता है कि हम धनी के वचनों के द्वारा उनके गुणों को देख करके हम उनके समीप हो पाए, ये सोचने की बात है। इसीलिए इंद्रावती सखी हम आप सभी से कह रही है, अरे इतने धनी के गुण होने के बाद, देखने के पश्चात कैसे दिल में चोट नहीं लग रही है सुंदर साजी। कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, उन अनंत गुणों मध्य इस गुण को इंद्रावती सखी वर्णन करती है पहली ही चौपाई में, कि जिनके द्वारा ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड क्षण भर के अंदर बनते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे कादर संपन्न अक्षर ब्रह्मन को कहा गया है। सो चाहे हमारा दर्शन, हे सखियों तो भी घाव ना लगया कलेजे, कौन आपके दर्शनों के इच्छा चाहना रखते हैं, ये तो सोचिए। वाणी बता रही है कि जो अक्षर ब्रह्म ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड को पल भर के अंदर में बना करके फना करने के मुकाबिल है, ऐसे अक्षर ब्रह्म स्वयं चाहते हैं कि परम धाम की उन सखियों का वे दीदार करें, दर्शन करें और अंतरंग परम धाम की लीला को वो जान पाएं, देख पाएं। इतनी कीमत, इतनी सिफत, इतनी महत्ता हमें कहां से प्राप्त हुई, हमारे धनी के दिए प्राप्त हुई है और हम क्या कर रहे हैं। धनी ने अनंत गुण करते हुए इस प्रकार की सिफत, इतना महत्व इन मोमिनों के सिर पर दिया,
लेकिन यही ब्रह्म आत्माएं इस खेल के अंदर ऐसे रल गई, ऐसे घुलमिल हो गई कि बिल्कुल ही माया के अंदर, जैसे कि कोई कीचड़ के अंदर फंस जाता है, दलदल के अंदर कोई धस जाता है, इस प्रकार से निकल नहीं पाती। क्यों? हे धाम की सखियों, तो भी घाव न लग्या कलेजे? धनी के अनंत गुणों को देखने से ही हमारा हृदय उनके गुणों के द्वारा छलनी हो जाता है, घाव लग कर के पीड़ित हो जाता है। अरे जब कोई एक छोटा सा कार्य भी हमारे लिए कर देता है तो हम फॉर्मली भी उसको थैंक यू बोलते हैं, वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। लेकिन धनी ने निस्बत का पालन करते हुए अपनापन लेकर के जो हमारे प्रति गुण किए हैं, कोई शारीरिक संबंध नहीं है, न तो वो हमारे कोई शारीरिक संबंधी है, न तो हमने उनको एक पैसे का ही कोई फीस भरा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई सेल्फिश मोटिव न हो करके कैसे धनी हमारे बीच में प्रकट होकर के गुण कर रहे हैं, हे सखियों वह तो देखो। ये गुण के तौल में क्या अन्य आ सकता है? क्या इसे हम रुपयों से तोल सकते हैं? क्या इसको धन और दौलत के रूप में, वैभव के रूप में तोल सकते हैं? धनी के गुणों को देख करके हृदय घायल होकर उनके प्रति निछावर करने से ही हम अपने धनी के दिल को रिझा सकेंगे। इसलिए हे साथ जी, ये तो विचार कीजिए कि जो अक्षर ब्रह्म हमारे दर्शनों को इच्छते हैं, चाहते हैं, ये किसकी कृपा से हुआ? हमारे धनी की कृपा से हुआ। और हम ये यहाँ पर क्या करते हैं कि उसी अक्षर ब्रह्म ने बनाए हुए खेल के अंदर ऐसे खो चुके हैं, ऐसे रल हो गए हैं कि हमें किसी बात की सुध नहीं है। सतगुरु हमको जगाने आए, आसरा दिया, परंतु ऐसे सतगुरु जिनके हृदय धाम के अंदर श्री राजी महाराज का स्वयं का आसन है, उनको भी हमने नहीं पहचाना। अचरज एक साथ जी सुनो कहूं अपने भी तक। इंद्रावती सखी कह रही है कि हे मेरे प्यारे सुंदर सा जी, इस बात का मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि मैं अपनी वीतक को बता करके मेरी अपनी अनुभूति को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। धनिये मोह को मेहर कर ले पहुंचाई हक। मेरे धनी ने ऐसी मेहर की कि यहाँ नश्वर नारायणी सृष्टि के 14 लोक, उसमें से जो मृत्युलोक कर्म भूमि कही गई है, यहाँ पर शरीर धारण करके जब मैं आई तो यहाँ से किसी बात की मुझको सुध नहीं थी। अक्षर अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, इस विषय का भी कोई ज्ञान नहीं था, परंतु ऐसे ब्रह्मांड के बीच में आकर के मुझे ले पहुंचाई हक, मेरी बाह को ऐसे पकड़ा। जो घर परिवार इत्यादि के सदस्य कहे गए हैं वो कैसे है? वाड़ काटा कुटुंब पाखल। ये तो सब जिस प्रकार से एक वृक्ष की रक्षा करने के लिए एक फेंस को बांध दिया जाता है, बाउंड्री को लगा दिया जाता है, इसी तरह संसार के नियम अनुसार यहाँ पर उन प्रत्येक ब्रह्म आत्माओं ने जन्म धारण किया। इसी के साथ जो परिवार के जन हैं वो एक फेंस के रूप में काम करते हैं। संसार की मर्यादाओं की सीमाओं के अंदर रह करके हम कार्य कर सके इसीलिए। परंतु जैसे सखियों ने कहा था व्रजलीला के अंदर, रास लीला के अंदर, बीजो झापो रखो पू करे कई श्योर सनमंद तेसु फल, कि जब बाग का जो माली होता है वो सब वृक्ष की देखरेख करता है, पानी का सिंचन आदि करता है, फेंस सही है या नहीं वो सब कुछ देखता है, परंतु फल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से जब यहाँ हमने जन्म को तो धारण किया है, लेकिन जो हमारे आत्मा का फल है, आत्म के संबंधी हमारे धनी हैं, हमारे और उनके बीच में यहाँ के कोई शारीरिक संबंधी आ नहीं सकेंगे।
क्योंकि आत्मा का जो प्रेम रूपी फल है उसके ऊपर अधिकार कहें तो वह अकेले श्री राज जी का, हमारे धाम धनी जी का है। इंद्रावती सखी कहती है कि सतगुरु स्वरूप ने आ करके मेरी आत्म को जगाया और उन हक श्री राज जी के साथ में मेरी आत्म का संबंध जोड़ दिया। मैं कहाँ पड़ी थी, किस चिरकिन भूम में पड़ी थी, उसे में से मुझको जागृत किया, उजागर किया और धनी के साथ अखंड अर्श परम धाम से मेरा संबंध जोड़ दिया। ईमान ल्याओ सो ल्यायो कहूं अनुभव की बात। अब आगे जो मैं कहने जा रही हूं ये मेरे खुद के अनुभव की बात मैं कहूंगी। हे मेरे सुंदर साजी, इंद्रावती सखी कहती है कि अगर आप ईमान ल्या सको, मेरी बात का विश्वास कर सको तो कीजिए। क्यों? जो विश्वास करेंगे उनको अवश्य मेरे अनुभव से कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी और वे अपने इस साधना के पथ पर और भी गहराई से, मजबूताई से चल पाएंगे। अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का जिनमें ईमान इशक। क्यों? ईमान लाने की बात इंद्रावती आत्मा इसीलिए कर रही है क्योंकि अव्वल जो सबसे पहले इस संसार के अंदर ईमान ले आएंगे वो अन्य कोई नहीं है बल्कि श्री निज धाम की, श्री परम धाम की वे ब्रह्म आत्माएं हैं जिनका अंकुर बीज परम धाम से है और इसीलिए उस जमात के अंदर जो इश्क और ईमान रूपी दो पर हैं ये अन्य किसी में भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो इंद्रावती सखी कह रही है कि मेरे धाम की जमात जिनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर में विश्वास है, उन्हें मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे अनुभव की बात को सुनिए और इसका तात्पर्य, इसका मर्म आप जानिए, समझिए। मोको मिले इन विदसो श्री धाम धनी साक्षात। यहाँ पर इस संसार के बीच मुझे ऐसा अनुभव हुआ है क्योंकि साक्षात मेरे धाम धनी आकर के मुझको मिले हैं। हे सुंदर साज जी, परम पूज्य मंगलदास जी महाराज जी इस बात को कहा करते थे कि द्वापर युग और त्रेता युग के अंदर आए हुए श्री कृष्ण और श्री राम को जब तक हम कलिजुग के अंदर अपने सामने साक्षात रूप से जब तक नहीं देख पाएंगे तब तक हमारी बातुनी हृदय की दृष्टि खुली ही नहीं है, ये समझ लेना। क्योंकि जो गुण उन्होंने किए हैं वैसे ही गुण जब यहां पर कोई करता है तो हमें तुरंत उनका स्मरण हो जाता है। वैसे ही श्री सतगुरु और श्री प्रेरणा जी का पदार्पण तो हुआ है लेकिन उन्होंने मोमिनों के दिल को अर्श बना करके जागने का सिलसिला बिल्कुल कंटिन्यूसली चालू रखा है। तो ये मोमिनों को पहचान करनी है कि मेरे धाम धनी कहाँ, किस हृदय के अंदर में विराजमान होकर के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा जो कि अनुभव कर चुकी है श्री सतगुरु धाम धनी से मिलन का, ऐसे ही हम आप सखियों से वे कहती हैं कि आप भी नजर खोल करके आत्मीय दृष्टि के द्वारा देखिए कि कैसे सतगुरु पुनः पधारे हैं हमारे बीच में और कैसे हमको ज्ञान परोस रहे हैं, कैसे आत्म को जागृत कर रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। पीछे ईमान सब ल्यावसी ए जो चौदे तबक। क्योंकि सर्वप्रथम ईमान जो लाने वाली है वो तो धाम की सखियां ही है। सहिया सब सिनगार साजते मिने सुरत पिया जी की बिराजती, ए शोभा इत ही छाजती भई नैरे नौखंडो आरती। यदि हम इस आरती के अंदर की चौपाई का भी स्मरण करते हैं तो यहाँ जहां पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद है, कुंभ के मेले में, हरिद्वार के प्रसंग में, परंतु सबसे आगेवान हो करके जो आए और जो श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके शरणापन्न हुए
वो कौन थे? सैया सब सिंगार साजती, सैया थे धाम के वतनी थे, वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, सबसे आगे हो जाएंगे दौड़ने के लिए। और ऐसे ही नहीं गए, धनी से मिलने के लिए सिंगार से सुसज्जित होकर के गए। इसी प्रकार से इंद्रावती सखी यहां कह रही है कि सर्वप्रथम आगे वान होकर के तो धाम की सखियां ही सबसे पहले मिलेंगी। द फर्स्ट बैच, जैसे सतगुरु के जीवन में भी देखिए तो 313 सभी ब्रह्मा आत्माएं ही हैं, धाम के अंकुरी हैं। इसी प्रकार से यहां जो सर्वप्रथम आकर के मिलेंगे वो सब ब्रह्मा आत्माएं हैं, पीछे फॉलो करने वाले ईश्वरी हैं और उनके भी पीछे फॉलो करने वाले यहाँ के जीव आत्मा हैं। तो बाद में जाकर के तो सारी दुनिया आने ही वाली है, धनी के चरणों में आए बिना, इस ब्रह्म लीला को जाने बिना, आत्मसात किए बिना किसी की अखंड मुक्ति नहीं होगी, चक्र फेरा मिटेगा नहीं। ये जो 14 तबक, और ऐसा नहीं है कि मृतलोक के मनुष्य आत्माओं को कहा, 14 तबक के देव दानव मानव ये सब कोई को अपनी अपनी बारी में आकर के धनी श्रीराज के शरणापन्न होकर के इस दिव्य तारतम ज्ञान के तले आकर ये ज्ञान को ग्रहण करके शरणापन्न होना ही पड़ेगा। अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का, लेकिन अगर ब्रह्मा आत्माएं पीछे रह जाएं, तो क्या कहें इस बात को। इसलिए जो सबसे पहले ईश्वर को लेकर के दौड़ेंगे, सबसे पहले जो धनी के स्वरूप की पहचान कर लेंगे, यही तो है ब्रह्मा आत्मा के लक्षण। अगर ब्रह्मा आत्मा का दावा किसी ने लिया परंतु पहचान नहीं कर सके, तो क्या दावा लेने का मतलब है। सबसे पहले यकीन लाने वाली यही ब्रह्म आत्माएं हैं। हमने वीतक अंतर्गत भी श्रवण किया कि कैसे अव्वल खान ने हाथ में सोटा लेकर अपने पीठ के ऊपर में मार मारते हुए कहा कि हे जीव, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक तू इन इमाम के दर्शन के बिना कैसे रह गया। इसी प्रकार का आकीन केशव दास जी में देखा गया कि जैसे ही उन्होंने शब्दों को सुना कि क्षण मात्र की देरी न करते हुए वे तुरंत जिस रास्ते श्री प्राणनाथ जी गए थे, उसी रास्ते होकर के दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर के उनसे मिलाप करते हैं। क्यों? ये सोहागनियों के लक्षण सब में मिलेंगे नहीं, ये तो सबसे यूनिक बात है। हे साथ जी, जिनमें ईमान इशक, तो यहां पर इसीलिए करें कि जिनके अंदर ईमान और इश्क भरपूर है, ऐसे ब्रह्म आत्मा सबसे पहले आकर के मिलेंगे, और अन्य तो उनके पीछे आने ही वाले हैं, आएंगे ही, परंतु जो धाम की हैं, उनके सामने चैलेंज है कि वे इश्क को लेकर सबसे पहले दौड़ लगाएं, तो ही वो धाम की सखियां कहलाएंगी। सुंदर साह जी, आज जिस पारायण की पूर्णाहुति हमने की और जो फल स्वरूप चौपाई प्रकटी है, वह कहें तो कुछ इसी प्रकार का हमको यहाँ पर इंकित करते हुए एक संदेश देती है, नसीहत देती है। यह चौपाई दुल्हिन किताब श्री परिक्रमा ग्रंथ से प्रकटी, जिसके अंदर 13वें प्रकरण की 31वीं और 58वीं चौपाई के ऊपर में चर्चा हुई। तले से ऊपर लग मोहल जरोखे पड़ साल, कई चौक थंब कचेहरिया कई दहलाने दीवाल। यह चौपाई, यह प्रकरण जो है, श्री पुखराज पहाड़ का वर्णन करता है, और ये पुखराज पहाड़ जो एक ही पुखराज नग से बना हुआ संपूर्ण पीले रंग का नजर आता है, दीदार करते देखते ही ऐसा लगता है, जड़िया पहाड़ जानो सोने सो, जुदे जुदे जवे रन। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अगर इस पुखराज पहाड़ के पीत रंग को हम देखते हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा सोने का पहाड़ है और जिसके ऊपर कई सारे जवेर जड़े हुए हैं, और ये पहाड़ के प्रत्येक नगर, प्रत्येक रत्न की जो रोशनी है, जो सत है, जो नूर है, वो आकाश को पहुंच जाता है। ऐसा सुंदर ये पुखराज पहाड़ सुशोभ्यमान है, और इस पुखराज पहाड़ के अंदर कई बैठके बनी हुई है, कई कचहरियां बनी हुई है, कई दहलाने बनी हुई है। हे साथ जी, सर्वप्रथम तो ये कहना है कि जो दुल्हीन किताब यानी कि श्री श्यामा महारानी की विशेषता को लिए यह किताब आनंद ही आनंद से भरपूर है, और इस किताब के अंदर में जितना भी हम भ्रमण करेंगे वो श्री परमधाम अक्षरातीत के 25 पक्ष के अंदर का वर्णन है। परम पूज्य परम आदरणीय गुरुजी ने जो अपने जीवन भर निष्ठाबंध सेवा की और समाज सेवा के ही उपलक्ष में उन्होंने सारा जीवन अर्पण कर दिया, जो दुल्हन की भांति श्री राज नाम की दुल्हा के ऊपर पूरी तरह समर्पित होकर के कार्य कर रहे थे, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव उनके द्वारा जो चौपाई भी फाल में प्रकटी है इस उपलक्ष के पारायण में, वह भी दुल्हीन किताब से है, और इशारा भी इतना नेक है कि हम रूहों को सोच विचार करने पर मजबूर करता है। हे साथ जी, जैसे ही इस चौपाई को दर्शन किया तो मन में यही भाव आया कि कहां हम इस झूठी माया के नग रत्नों का वर्णन करते। हम एक नग रत्न भी लेते हैं तो हम पोस्ट डालते, हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, हम पब्लिकली इसको बताना चाहते हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि हमने इस नग, इस रत्न को खरीदा है, क्योंकि दुनिया के दृष्टिकोण से स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए यही चीजें हमको चाहिए होती है। किंतु हे रूहों, जब मन इन छोटी चीजों में फंसा रहेगा तो अखंड धाम के उस पुखराज पहाड़ जो मानव के पूरा सुवर्ण से बना हुआ है, जिसमें हर जगह नगरत्न जड़े हुए हैं, उस पुखराज पहाड़ को याद करेंगे तो अवश्य यहाँ के सारे वस्तु, यहाँ के सारी जो विषय वस्तुएं हैं, ये सब कुछ तुच्छ लगने लगेंगे, क्योंकि इन सारे विषय वस्तुओं का मूल्यांकन यदि यहाँ किया जाए तो वो बहुत ही रुपयों के अंदर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फिनिट तो नहीं होगा। जबकि परम धाम के उन अखंड 25 पक्ष को अगर याद भी करते हैं तो वहां के आनंद और सुख इन्फिनिट है, असीम है। और ऐसे परम धाम 25 पक्ष की जो राज रानियां हैं, जो सखियां हैं, जो रूहें हैं, वो अगर संसार के इन छोटे बड़े सुखों को लेकर के आह्लादित होते रहें तो हम धनी के आगे क्या मुख दिखाएंगे। इसीलिए संकेत इसी बात का होता है कि हे सखियों, यहाँ के सुख और आनंद से मोहित न हो करके धाम के 25 पक्ष में से प्रत्येक पक्ष को निहारे। कैसे ये परम धाम 25 पक्ष आए हुए, कैसे इनकी बनक है, कहाँ हम धनी संग खेलते हैं, और कितना विशाल है ये 25 पक्ष का इलाका, तब जाकर रूह को एहसास होगा कि हम कितने तुच्छ सुखों को सब कुछ मान बैठे हैं। पुनः एक और चौपाई इन मोहल ऊपर जो चांदनी, तिन पर जो मोहलात, सो विस्तार है अति बड़ा, या मुख कहियो न जात। यहां पर वर्णन हो रहा है चांदनी का, पुखराज पहाड़ की जो चांदनी बनी 1000 भूमों के ऊपर, ऐसे ही 1000 भूम के कारण यह चांदनी कितनी ऊंचाई पर है, और दूसरा कहें तो इस चांदनी के ऊपर में एक और चबूतरा उठ करके जो आकाशी महल की 1000 भूमें आई हुई है। हे सात जी, जैसे हकीकत से मार्फत में प्रवेश करना है, जैसे ज्ञान से प्रेम में प्रवेश करना है, इसी प्रकार से
पुखराज की चांदनी में आने के बाद अक्षातीत श्री धाम धनी और रूहे श्यामा जी संग इस आकाशी महल के अंदर भ्रमण करते उसकी भी चांदनी में जाकर के विराजमान होते हैं। पुखराज की चांदनी 1000 भौम है और उसके ऊपर में कहें तो आकाशी महलों की जो चांदनी एक और 1000 भौमों के ऊपर में आती है। इस प्रकार से ये गगनचुंबी आकाशी महल जो कहे गए हैं उनकी असीम अपार शोभा को जो याद करें तो यहाँ संसार के जो विभिन्न दुखड़े हैं दर्द हैं वो सब कुछ इसके आगे निस्तेज होते दिखाई देते हैं। इसीलिए हे सखियो सो विस्तार है अति बड़ो, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ इस जुबान के द्वारा। ये इस अखंड विस्तार को अगर आप आत्म की दृष्टि से निहारेंगे तो ही समझ में आएगा। तो हे सुंदर साथ जी, परम पूज्य परम वंदनीय गुरुदेव जी का यही भाव यही संकेत हम दिल में लेते हैं कि हे मेरे सखियों, इस ज्ञान से परे विज्ञान प्रेम में प्रवेश होकर के आत्म की दृष्टि को खोल करके इस अत्यंत बड़े विस्तार वाले 25 पक्ष परम धाम की भूमिका को हृदय में धारण कीजिए। यही सत सुख है, यही सत आनंद है। यहाँ के झूठे दुख सुख के नाटक में न फंसिए। ये भ्रम में जो पड़ गए ये भ्रम तो माया की ओर ही ले जाएगा। जो सत सुख से जुड़ जाएंगे वे ही इस माया से तर सकेंगे। यही शुभ संदेश यही सद्विचार को हमने इस फाल रूप चौपाई से ग्रहण किया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के इस मजल को यहाँ पर विराम देते हैं। पीछे मन सब लियावसी ए जो चौदे तबक अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का जिनमें मान ईशक जिनमें ईमान ईशक बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय परम पूज्य वाणियाचार्य श्री दीनदयाल महाराज की जय बोल बोल पंजे वाले की जय सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।